30 अक्टूबर को इलाहाबाद उपचुनाव की वोटिंग होनी है, ऐसे में सभी दल अपना दमखम लगाने में जुटे हैं। इस बीच भाजपा के विधायक सुधीर सिंगला ने दावा किया कि इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभय सिंह चौटाला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फर्म के उम्मीदवार हैं, इसलिए इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी के जनप्रतिनिधि बनने के बाद और ज्यादा विकास होंगे। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला से खास बातचीत की। 30 अक्टूबर को इलाहाबाद उपचुनाव की वोटिंग होनी है, ऐसे में क्या कुछ नतीजे होने वाले हैं, इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम से भाजपा के विधायक सुधीर सिंगला हैं। सर, वक्त अब काफ़ी नज़दीक आ गया है, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कैसा देखते हैं? इलाहाबाद से हमारे गोविंद कांडा जी खड़े हुए हैं और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं वो, और बहुत अच्छी कन्वेंसिंग चल रही है, लोग हमारी तरफ समझ रहे हैं और रुझान हमारी तरफ बना रहे हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इलाहाबाद का चुनाव जीत रहे हैं और जो तथाकथित किसान जो शोर मचा रहे हैं, वो शोर जरूर मचा रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल तो हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस इनेलो के जो उम्मीदवार हैं अभय सिंह चौटाला, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप सरकारी मशीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप इतने सारे पुलिस फोर्स जो है लगा रखी है। नहीं देखिए, वो तो तथाकथित किसान जो शोर मचा रहे हैं उनके लिए लगाई हुई है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो एक निर्विरोध कार्य करता है और ऐसे तो आक्षेप लगाया करते हैं अपोजिशन वाले, और आक्षेप नहीं लगाएंगे तो क्या कहेंगे अपने प्रचार के अंदर। तो मेरे ख्याल तो कोई तंत्र का या कोई हम प्रशासन का कोई मदद नहीं ले रहे हैं वो, और हम तो निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में हैं और हमारी मेरे रुझान से जो है वो लोगों का मत बन रहा है कि गोविंद कांडा जी जीतेंगे। आखिरकार गोविंद कांडा को ये इलाहाबाद की जो जनता है वो क्यों वोट दे, क्या वजह मानते हैं? देखिए, गोविंद कांडा जी वहाँ रहे हुए हैं, वहाँ आते जाते रहे हैं वो, और उनका काफ़ी इलाका देखा हुआ है वो, और मेरे ख्याल तो यही सब चीज़ें सोच कर कोई जो टीम जो हमारी है उसने, पार्टी की टीम ने उसका निर्णय लिया है और बहुत उपयुक्त निर्णय लिया है। हालांकि हरियाणा में सरकार भी आपकी है, भाजपा की, आखिर में सत्ता में रहते हुए उपचुनाव को जीतना कितना आसान होता है, क्या लगता है? नहीं, चुनाव चुनाव होता है, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियां इतनी हैं कि चुनाव मेरे ख्याल तो आसान बन रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन काफ़ी वायदे किए जा रहे हैं इस बार कि इलाहाबाद उपचुनाव यदि भाजपा जीत जाती है तो अनेकों विकास कार्य होंगे, क्या सत्ता अभी भी आपकी है कि आप विकास कार्य नहीं हो सकते? नहीं, विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन अगर अपना जनप्रतिनिधि हो जाता है तो उसकी कुछ और ही शक्ल बन जाती है वो, और हमारे यहाँ वादे जो किए जाते हैं वो पूरे करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रख्यात हैं इस मामले के अंदर, और हमारे यहाँ तो क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है, हमारे यहाँ सभी जो क्षेत्र हैं उसके लिए समान विकास हो, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की कामना है। अभय सिंह चौटाला हालांकि वहां से विधायक थे लेकिन उन्होंने 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया, लेकिन अब दोबारा से वो चुनावी मैदान में हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि उनका जो चुनाव लड़ने का इरादा अभी भी 3 कृषि कानूनी है लेकिन रद्द तो हुआ नहीं, ऐसे में क्या लगता है वो जीतने के बाद क्या सरकार कोई स्टैंड ले सकती है? नहीं, जीतने की बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो इलाहाबाद चुनाव से गोविंद कांडा जी जीतेंगे, और उनका ये सवाल का जवाब ही नहीं बन रहा कि 3 कानून के पैसे उन्हें दिया था रिजाइन, और ये कहा था कि मैं इसकी शक्ल विधानसभा की शक्ल जब देखूंगा जब 3 कानून रद्द हो जाएंगे, और उन्होंने जो है वो नॉमिनेशन अपने यहाँ भर दिया। तो उनकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वो कभी रिजाइन दे देते हैं कभी खुद बन के आ जाते हैं, उनके यहाँ या तो वो खुद बनेंगे या उनकी वाइफ बनेगी, ऐसे ही उनका या उनका बेटा बनेगा, ऐसे ही उनका सब चलन है वो, लेकिन मुझे कोई दम नहीं लगता अभय सिंह चौटाला के अंदर। गठबंधन का कितना फायदा मिल रहा है? पूरा ही फायदा मिल रहा है जी, पूरा 100% फायदा मिल रहा है। JJP भी अपना ताकत लगा रही है और BJP भी अपना ताकत लगा रही है, और जो उनकी पार्टी है गोविंद कांडा जी की वो भी हमारे साथ है। देखिए, बिल्कुल भाजपा से विधायक सुधीर सिंगला, जिनका साफ तौर से कहना है कि इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा की जीत होनी तय है। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।